हैप्पी नवरात्रि। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का महीना चल रहा है हमारा, तो सभी लोग व्रत होंगे, तो उसके लिए हम फराहार बना रहे हैं। देखिए, हमने आलू जो है बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मेरा परिवार भाई ज़्यादा है तो हम कम से कम 5-6 लोगों का फराहार बना रहे हैं। तो ये देखिए, हम आलू बॉईल कर लिए और इसकी हम सब्जी बनाएंगे और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हम कुकर रख दिए, कुकर हमारा गर्म हो गया। इसमें मीठा तेल डालेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा हमारा देखिए हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हम 4-5 मिर्चा कटा हुआ डालेंगे। अदरक रखती है, इसको भी डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए, तड़का हमारा हो गया। इसमें हम 5-6 टमाटर जो कि कल कट कर लिए, ये देखिए इसको डालेंगे। अब इसी में हम आलू डालेंगे। देखिए, अब इसमें हम आलू डालेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम 2-3 मिनट तक भूने। ये देखिए, अब इसमें हम सीधा नमक डालेंगे। देखिए, सीधा नमक हम डाल रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती कटा हुआ डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हम थोड़ी सूखी सब्जी बनाएंगे, इतना बहुत है हमारे लिए। ये देखिए, अब हम सीटी लगा देते हैं। सीटी हम लगा देते हैं। पूड़ी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। हमने सिंघाड़े का आटा लिया है, ये हमारा लगभग 500 ग्राम है, और इसमें हम आलू मैश करके डालेंगे, तभी पूड़ी अच्छी बनेगी। ये देखिए, इसको हम मिलाएंगे, इसमें अच्छे से मैश करेंगे। फिर हम आटा में थोड़ा सा पानी डाल के गूंथेंगे। आलू हमने पूरा मैश कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए इसको हम आटा गूंथेंगे। ये देखिए, और थोड़ा पानी का छींटा मारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हम गूंथ लिए हैं, अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, और जब तक सब्जी हमारी बन रही है, इसके बाद हम पूड़ी बनाएंगे। देखिए, हमारी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनी है। ये देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डालेंगे, धनिया पत्ती ऊपर से डालेंगे, इससे इसका कलर और अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब इसको हम हटा के पूड़ी निकालते हैं। चलिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, मीठा तेल। अब हम पूड़ी बनाते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम पूड़ी बना लेंगे। ये देखिए, सिंघाड़े का आटा हम कितना अच्छा हमारा पूड़ी बनी है। अब इसको रख के दूसरा बनाते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा में इसको हम लगाएंगे, इसके बाद हम पूड़ी हल्के हाथ से बनाएंगे। ये देखिए,
चलिए ऐसे हम सब बना लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम पूरी एक एक करके डालेंगे। ये देखिए ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी पूरी बन रही है, पेट भी आपका भर जाएगा। ये देखिए देखिए कितनी फूल रही है हमारी पूरी। देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी सब्जी बनके एकदम तैयार है। देखिए दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।